कई दिनों से आशा थी हमारे आवेंगे रखवाले और खेड़ा गांव नगीने के दुख दूर करेंगे ये सारे। जो काम का टाइम हुआ कोई लो दूर अभी बंदा ठीक है जी, तो अपना काम निकाल के चले जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं पांच साल। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीति है, अच्छे इनके साथ तन मन धन से हम इनके साथ है। ईबले पीछे बनवाया था गांगुली वाला, एक बार नहीं आया काम में। आज देखा सात दर्शकों विक्रम की राम राम और आप सब विकास स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त हम आज मौजूद हैं जिले जो गांव है खेड़ा खेमावती में इस वक्त हम मौजूद हैं और समाज सेवी है रामपाल कैसप और आज में पहुँचे हैं भी खेड़ा खेमावती में। और आपको पता भी है जो जो रामपाल कैसप वार्ड नंबर 24 से जिला पार्षद भी है और भी एक मुहिम लेकर के चले हैं जो गरीब परिवार से जो लड़कियाँ होती है उनके लिए है सिलाई मशीन की है मुहिम स्टार्ट की है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और क्या कुछ कहते हैं रामपाल कैसप जी, आप उनके विचार सुने और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पहले तो आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी गर्मी में आप खेड़ा खेमावती में पहुँचे। और रहा सिलाई का अभियान, हम हर गांव में सिलाई जहां सिलाई की ज़रूरत है, जहां हमारी 36 बिरादरी की बहन बेटी जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार देने के लिए सिलाई सेंटर निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं। आज यही उद्देश्य था सिलाई अभियान से? जी जी, बस यही उद्देश्य था आज सिलाई अभियान के लिए। और ये तो हमारा परिवार है जो आज इस परिवार के बीच में आए। तो कितने सुझाव आए हैं, कितने सेंटर इस गांव में खोलने की जरूरत है? अभी इन गांव वासियों को बोला है जो भी ये जितने भी जो भी सुझाव देंगे उनको हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों की ओर से क्या बातें रखी गई हैं कि जैसे MLA आते हैं वादे करते जाते किस प्रकार का दर्द देखने को मिला, क्या दर्द लग रहा है? देखो ये तो आप सभी ने पता है जो पहले MLA की जो यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं अपनी वोट लेके दोबारा गांव में नहीं आते क्योंकि वो तो अपना काम निकाल के चले जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं पाँच साल के बाद। तो हमारा ये वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गरीब आदमियों को थोड़ा ऊपर उठाएं 36 बिरादरी को और जिससे वो अपने हाथ पैरों पर खड़े हो सके। क्या योजना आपके मन में, क्या करना चाहते? मेरे मन में तो कोई योजना नहीं, जैसे 36 बिरादरी जैसे भी बोलेगी हम इनके साथ हैं, जैसे ये करेंगे वैसे हमारे को मंजूर है। चुनाव को लेकर के जैसे आपका मैंने अभी वो देखा है विजिटिंग कार्ड देखा है मिशन 2024 क्या माना जाए? देखो ये तो 36 बिरादरी के ऊपर है, ये जो चाहेंगे इनके वैसे खरा उतरने के काम करेंगे। अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो हम 2024 में जैसे हमारे को भाईचारा बोलेगा वैसे हम तैयार रहेंगे। यानी कि अभी भाईचारे से सुझाव लिया जा रहा है? अभी भाईचारे से सुझाव लिया जा रहा है, जैसे भाईचारे का सुझाव आएगा तो उस पर तो काम करने का। आपके जो बेहतर गांव है बेहतर के बेहतर गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? हाँ, ये जो भी जिस भी गांव में ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं गांव में करवाएंगे सिलाई सेंटर, उन्हीं गांव में खुलवाया जाएगा, जिस भी गांव की डिमांड आएगी उसी गांव में सिलाई सेंटर निःशुल्क खोला जाएगा। ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीति है, अच्छी सोच है। गरीब समाज ये कैसे समाज की बात नहीं है, ये हर समाज को हर गरीब समाज को लेकर साथ में चल रहे हैं भाई। उसमें सभी के लिए सिलाई सेंटर तो देखो गरीब आदमी ही इस्तेमाल करता है इस चीज़ को। नहीं नहीं, ये दो 2024 का मिशन लेकर चल रहे हैं 2024 साथ है इनके साथ तन मन धन से हम इनके साथ हैं। अगर अच्छा काम ये करते हैं तो अगर अच्छा काम ये करेंगे हम इनके साथ तन मन धन से हैं। क्या कहेंगे जैसे कि आपने बताया कि भी MLA आते हैं संबोधन में जो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में गांव खेड़ा खेमावती हमारे बीच में पहुंचे। और रही बात ये भाई साहब जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं बड़ी अच्छी सोच है इनकी, इनके साथ साथ चलते रहें। मेरे कहने का मतलब ये था भाई राजनीतिक तो पहले भी आए हैं लोग, थोड़ा ये कड़वा शब्द है भाई, आप उनकी तरह मत बनना, पब्लिक की लोगों की सेवा करना। इसलिए हम इस बात के ऊपर कहते हैं कि भाई मतलब इन ऐसे ऐसे शख्सों की हमने ज़रूरत थी। मैं कहता हूं भाई हमने आशा थी, कई दिनों से आशा थी हमारे आवेंगे रखवाले और खेड़ा गांव नगीने के दुख दूर करेंगे ये सारे, ये आशा हमारी इसमें सब कुछ आ गया। तो ये बात पहले खोली है भाई? पहले नहीं खोल रही, बनाने के बाद की बात है, जब ये हम इनको पहले इस कुर्सी के ऊपर ले आएंगे। लेकिन मैं तो एक सुझाव है मेरा, क्यों मेरी उम्र लगभग 60 के नज़दीक लगी, मैंने राजनीतिक लोग यहाँ गांव में आकर देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा मतलब
सेवा करेंगे तो हम इनके साथ तन मन धन से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको कुर्सी पर लाएंगे, फिर इनको वर्तमान में लेंगे। स्वभाव कैसा लगा आपको? स्वभाव बहुत बढ़िया, नेक नीति के हैं, और इतना ज़्यादा इनके पास बकाने वाले हथियार भी नहीं है शायद। मैंने तो अच्छा लगा। सहमत हो जी? बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से, बिल्कुल सहमत। मेरा नाम प्रकाश समझी क्या जी, ये कहना तो नू है जी। देखो जैसे गांव में आवे है वोट मांगन, जो तो हाथ जोड़े जी, जो काम का टाइम हो कोई लो दो रही पाता, ठीक है जी। ई बिले पीछे बनू आया था गांगोली वाला, एक बार नहीं आया गांव में। आज वाल्मीकि समाज ने बुलाया था तो गांव का दौरा तो बने था, वो नहीं वहाँ तो वहाँ मिलकर बिक गया। तो गांव राम में देखेगा, किसी भाई का पूछेगा जी, भी तो लगेगा हानी नू तो दुनिया फिरे जी। तो वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं विधायक तो? नहीं, हाँ तो कोई एक के दो बार आया जी, हमारे बीच में तो कुछ आया नहीं ना किसी ना, इसी बात हुई जी। तो इस बार गांव का समर्थन किसको मिलने वाला है? जो हमारे के लिए जो काम करेगा हम तो उसका समर्थन देंगे जी। तो आज फिर आपको पूछूं, लेकिन नेता ये कहते हैं कि जो पहले हमारे को बनाएगा फिर हम काम करेंगे, ये अपने राम प्रकाश सब जी है। हाँ। अभी ये कह रहे हैं भाई जो गांव में मशीन का बच्चों को सिखाने का है निःशुल्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो इसके साथ है, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसके साथ लगेंगे।